वो दूसरे धर्म की है। मान लो कृष्ण की आत्मा है, दादा लेखराज की आत्मा है, सत्यु के आदि में किसका बच्चा बनेगी है? बच्चा किसका होगी? सूर्यवंशी, असल सूर्यवंशियों का बच्चा होगी या चंद्रवंशियों का बच्चा होगी? तो सूर्यवंशियों का बच्चा तो सूर्यवंशी ही होगा ना। हाँ जी, हाँ, उनके जो बच्चे होंगे उनको कहेंगे कन्वर्ट होने वाले। वो पूरी श्रीमत को नहीं उठा पाते। हाँ, बाद में, बाद में। कलम काटी जाएगी तो ऊपर का हिस्सा ही काटा जाएगा ना। झाड़ की कलम लगाई जाती है तो ऊपर का हिस्सा ही काटा जाता है ना, तो उन्हीं की कलम लगती है। वो ही आत्मा में प्रवेश होता है फिर। हाँ, जो ऊपर वाले हैं, जो ऊपर वाले हैं वो नीचे वालों में प्रवेश करते हैं, तो तपस्या तो दोनों की हो जाती है, दोनों की कलम कही जाती है। तो ऊपर वाला है या नीचे वाला है? ब्रह्मा की सोल जो अभी प्रवेश करती है वो ज्यादा पावरफुल है या जिसमें प्रवेश करती है राम वाली आत्मा में वो ज्यादा पावरफुल है? राम वाली आत्मा ज्यादा पावरफुल है अभी, है अभी पावरफुल, या छलांग लगाएगी, हाई जंप लगाएगी तब बैल पर सवारी करेगी? हाई जंप लगाएगी तो सवारी करेगी, हाई जंप नहीं जब तक लगाती है तब तक याद करने वाले की स्टेज है या संपन्न स्टेज बन गई? याद करने वाली की स्टेज है। इसलिए चंद्रमा को कहाँ लगाया हुआ है? सर माथे पर लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि माता गुरु बिगड़ किसी का उद्धार हो नहीं सकता। एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं, एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। आपने अभी बताया ना कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी के जैसे वो इस्लामिक वो दिव्य सिंह या आत्माएं हैं, ये आगे से मतलब सतयुग में तो जाएंगे जिसमें विनाश के मतलब विनाश नहीं। बिल्कुल, अपने धर्मखंडों में सेवा करने के बाद, अपने अपने धर्मखंडों में सेवा करने के बाद फिर इनको वापस जाना है। वो भी सेवा इसलिए करेंगे कि जब ऊपर से आवेंगे तो जिनकी सेवा करेंगे वो इनके पीछे पीछे आवेंगे, कि पहले आ जावेंगे पीछे पीछे आवेंगे। तरीके से हिसाब से ड्रामा बना हुआ है। हाँ तो था, जरा पता नहीं चल रहा है कौन बोल रहा है। हाँ, मुख्य मुख्य पाठधारियों के बारे में बताते हैं, एक ही बारे में बताते हैं कि और भी जो पाठधारी, पांच सात बताते हैं ना, पांच सात मुख्य मुख्य पाठधारी हैं जिनके बारे में बाबा बताते हैं। जिनके बारे में बताते हैं, भक्ति मार्ग में जो मीना बाई है
मीना भाई है ना बस्ती महाराज, हाँ वो क्या जगदम्बा का पार्क वाली मतलब मीना भाई बस्ती है मतलब। मीर कहते हैं शाहजादे को और मीरा कहते हैं शाहजादी को। ब्राह्मणों की दुनिया में रुद्रमाला में शाहजादा कौन है और शाहजादी कौन है, हैं? ब्रह्मा। ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकल में शाहजादा कौन बनता है और शाहजादी कौन बनता है, नारायण पहले शाहजादा बनता है और लक्ष्मी के लिए नहीं कहेंगे जगदम्बा के लिए कहेंगे, क्योंकि फुल बैगर टू फुल प्रिंस। लक्ष्मी सिर्फ देवताओं के ऊपर राजा ही करेगी, देवात्माओं का जो संगठन है उसकी पालना करेगी या असुरों की भी पालना करेगी, और विश्व की आत्माओं के ऊपर पालना कौन करेगी, जगदम्बा सारे विश्व के ऊपर पालना करेगी। तो जगदम्बा और जगत पिता ये दोनों ही पार्ट विषपाई पार्ट हैं, इनको सारे जगत की ग्लानि भी सहन करनी पड़ती है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला। तो जगदम्बा वो महाकाली का पार्ट बजाती है और जो जगत पिता है वो महाकाल का पार्ट बजाता है। इसलिए एक है मीर साहब और दूसरी है मीरा। मीरा के लिए गायन है क्या, विष का प्याला पिया, भेजा किसने, राणा ने भेजा तो उन्होंने हंस हंस के पिया, हमारा यही पार्ट है। मीरा ऊपर से आई थी या पहले से ही थी, तो फिर कौन राम वाली आत्मा, फिर राणा कौन है, ये जो बड़े बड़े संत हुए हैं जैसे तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, रविदास हैं, रैदास हैं, ये वास्तव में कहाँ की आत्मा है, इन्होंने संगम युग में भी बड़ी तपस्या की है। श्री राम शरण वाले उनका क्या रोल है, श्री राम शरण जो क्या रोल, तो मठ पंथ जितने भी चले हैं और उनके चलाने वाले जो मुखिया हैं वो तो डायरेक्ट ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं। एक नया मठ पंथ शुरू कर देती हैं और बहुत से लोग उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। ये बिना प्रूफ और प्रमाण के कैसे कहा जाए, बल्लभ कहा जाता है पति को, गोपी बल्लभ गोपियों के पति, तो गोपियों का पति कौन है, कृष्ण। भाई
गीता में गीता में चलता है जो आत्मा शरीर धारण करती है वो फिर द्वारा देव लेती है ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा वाले श्री थोड़ा तो उन्होंने सुनी नहीं है वो आत्मा बन के शरीर छोड़ा देवान में रह के शरीर छोड़ा या आत्मा बन के शरीर छोड़ा शरीर ही उनका देवान में छूटा है। गीता में लिखा है जो आत्मा एक बार ज्ञान ले लेती है उसको दोबारा जब जन्म मिलेगा तो ज्ञान का प्रारब्ध लेकर इस दुनिया में दोबारा जन्म लेती है तो वो आत्मा ही तो दूसरे किस्म की आत्मा है हमने तो बाप को पहचाना ही नहीं तुम आत्मा बनेंगे तो आत्म की स्थिति में रह करके बाप को याद कर सकेंगे आत्मा ही नहीं बनेंगे तो बाप की याद भी ठहर नहीं सकती ये रंग रंगीला इसको औरंगजेब को कहेंगे अलग आत्मा रंगीला शाह आखिरी बादशाह मुगल सल्तनत का दो हजार पैंसठ हाँ ये जो भी संबत चल रहे हैं चाहे विक्रम संबत हो चाहे शक संबत हो चाहे ईसवी संबत हो ये बहुत लंबे समय के बाद उनका कैलकुलेशन करना शुरू किया है एक्यूरेट किसी को पता नहीं है एक्यूरेट संबत तो बाप ही आकर के बताते हैं क्राइस्ट में भी गड़बड़ है क्रिश्चियन संबत में भी गड़बड़ है हाँ जी हाँ जी ये साउंडवर्स का अंतर डालते हैं इसमें अंतर पड़ गया इस साउंडवर्स ज्यादा होता है वो इसका ऐसा कम है जैसे संबत तो 2018 से संबत एक 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 जो शुरू होगा वो ही असली संबत है लेकिन वो दुनिया ही खत्म हो जाती है वो किसी को पता ही नहीं रहता शंकर बाबा भोजन करते हैं शंकर बाबा भोजन करते हैं तो क्या उसका नाम शिव बाबा को मिलता है भोगता है एक वृक्ष है संसार रूपी वृक्ष इसके लिए वेदों में ऋचाएं आई हैं द्वा सुपर्णा सुयजा सखाया समानम वृक्षम अभिशस्तु जाते ये सृष्टि एक प्रकार का वृक्ष है इस वृक्ष पर दो पक्षी मुख्य बैठे हुए हैं एक भोक्ता है और एक अभोक्ता है शिव है अभोक्ता सिर्फ वासना लेता है ऐसा कहा जा सकता है और दूसरा है भोक्ता वो भोगे बगैर नहीं रह सकता और वो अभोक्ता हुए बगैर नहीं रह सकता दोनों आत्माएं रहती हैं एक ही शरीर रूपी वृक्ष में उनको कहा जाता है बाप दादा और जो राम बाप है जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं जब संपन्न स्टेज होती है तो बाप कहा जाता है बेहद का बाप और दादा कौन कृष्ण की सोल दादा कही जाती है का बीज है बीज जैसा होगा वैसा ही झाड़ होगा ना
बीज साकार है या निराकार? तो झाड़ भी साकार होगा तो कौन हुआ? तो शिव को कहें या प्रजापिता को कहें? मनुष्य शक्ति का बीज शिव बाप बीज है। मुरली में कहीं बोला है कि शिव बाप जो है वो मनुष्य शक्ति का बीज है? ऐसा एक भी वाक्य नहीं आया होगा। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ जब बोला गया है तो वो निराकार प्रवेश करके साकार रूप में बोल रहा है। मैं मनुष्य सृष्टि क्या प्रवेश करके ब्रह्मा की सोल इंटरफियर करके नहीं बोलती है? उनका समय के रूप में दिखाई हुई है वृक्ष में, तो वो रामा की आत्मा दूसरे दूसरे सब लोग में तो जाती है ऐसे उनकी राजा की स्थापन करने के लिए। तो वो समय के रूप में वो कहते हैं राम कृष्ण की आत्मा है ना, समय के रूप में मतलब है वृक्ष में। तो रामा की आत्मा दूसरे दूसरे सब लोग की राजा की स्थापन करती है। कृष्ण वाली आत्मा तो नहीं करती? कृष्ण वाली आत्मा उसको राजाई स्थापन करने के लिए तो नहीं जाती? वो खुद राजा बनती भी नहीं संगमयुग में। प्रभावित होने वाली आत्मा है या प्रभावित करने वाली आत्मा है? राम वाली आत्मा ने जो पार्ट बजाया वो और धर्मों की आत्माओं से प्रभावित होने का पार्ट बजाया या प्रभावित करने का पार्ट बजाया? जो प्रभावित होते हैं उनको कहा जाता है प्रजा, और जो प्रभावित करते हैं उनको कहा जाता है राजा। तो राम और कृष्ण की आत्माओं में से कौन प्रभावित होने वाली है और कौन प्रभावित करने वाली है? राम वाली आत्मा प्रभावित करने वाली है। यज्ञ के आदि में भी मक्खन चुराया, गोपियों को भगाया, ये सारी कथा कहानी किसकी है? प्रजापिता की है। नाम डाल दिया ब्रह्मा और कृष्ण का। और बाबा जो ब्रह्मा के पाठधारी है वो तो स्टेज पर है, उनको तो मैं जो प्रज्यूम मैं करता हूँ वो तो एडवांस वाले हैं, और जो बाकी जो है वो ऑडियंस है, देखने वाले हैं, दर्शक हैं। अब जो दर्शक भी हैं उनमें इंटरफियर करने वाले भी हैं, जो बेसिक नॉलेज वाले हैं उनको मैं दर्शक मानूं या उनको भी पाठधारी मानूं? वो ब्राह्मण नहीं? नहीं ब्राह्मण है, मगर ऐसा है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सदाएं हैं वो ज्यादा एडवांस पार्टी वालों के लिए तो बेसिक वालों के लिए भी है, क्योंकि जो दर्शक है उनके लिए तो सदाएं होती हैं। बड़े से बड़े पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो, और बड़े से बड़े पुण्य आत्मा देखना हो तो ये कहाँ? दर्शकों की बात है या पार्ट बजाने वालों की बात है? तो यहाँ की बात है। बड़े से बड़े धोखेबाज देखना हो तो यहाँ देखो, बड़े से बड़े वफादार फरमानबरदार ईमानदार आज्ञाकारी देखना हो तो यहाँ देखो। ये माला के 108 मणके हैं, 108 बीज हैं, इनमें अच्छे से अच्छे भी पार्टधारी हैं और बुरे से बुरे पार्टधारी भी हैं। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तुम पर लागू ना होती हो। मैं सर बहुत अपना सवाल पूरी तरह रख नहीं पाया। मैं ये क्या पूछना चाहता था कि जो सदाएं हैं वो बेसिक वालों के लिए हैं या जो जो बिल्कुल ज्ञान को जानते नहीं जो ईश्वर की तरह भी करता हूँ? ज्ञानी उसे कहेंगे जो बाप को पहचाने आदि से लेकर अंत तक, उसको कहेंगे जाननहार, ज्ञानी, ज्ञानी जानने वाला सत्य को।
और जो सत्य को जानने वाला है वो 100% के एक ही होगा या अनेक होंगे? तो एक तो हुआ ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी। अज्ञानी माने अंधे, अंधे हैं तो न देखने वाले हुए। बाबा राजा हरिश्चंद्र को तारा को दिखाया गया है, तारा माता को, राजा हरिश्चंद्र के साथ तारा माता को दिखाई गई है, वो बड़ी मम्मी है या छोटी मम्मी? मुसलमानों में झंडा हो चाहे नोट हो चाहे स्टाम्प पेपर हो, कौन सा निशान दिखाते हैं? हैं? चंद्रमा को दिखाते हैं और तारा को दिखाते हैं। और बड़ी मम्मी का पार्ट जगदम्बा का पार्ट है। जगदम्बा ही महाकाली भी बनती है। जब महाकाली बनती है तो मस्तक पर क्या दिखाते हैं? है? चंद्रमा दिखाते हैं। तो महाकाली जो अपना पार्ट बजाती है वह स्वधर्मी आत्माओं के द्वारा बजाती है विनाश का पार्ट, या विधर्मी आत्माओं के द्वारा बजाती है? तो इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि ये सब क्या हो गए? ये विधर्मी आत्माएं हो गई। इसलिए उन धर्मों में वो सितारे को विशेष महत्व देते हैं, एक स्टार दिखाते हैं। ये राजा सत्य हरिश्चंद्र की जो कथा है कौन सी युग की है? सतयुग आदि में राजा हरिश्चंद्र का राज्य माना जाता है शास्त्रों में। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उसका सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाम दे दो और चाहे सत्यनारायण की कथा नाम दे दो। तो उसके साथ देने वाले का नाम, जो विशेष सितारा है उसका नाम दिया है तारामती। किसका पार्ट हुआ? बड़ी माँ का पार्ट हुआ। बाबा हनुमान को बाल ब्रह्मचारी कहा गया है, उसको काम कार की पूछड़ी भी लगाई हुई है। काम विकार की पूछ कौन से युग में बढ़ जाती है? बढ़ जाती है। द्वापर में होती तो है, लेकिन उस समय विकार सतो प्रधान स्टेज में होते हैं या तमो प्रधान स्टेज में होते हैं। लंबी पूछ होती है या पूछ छोटी सी होती है बच्चे के रूप में? पहले तो महात्मा होगी ना, बच्चा क्या कहा जाता है? सतो प्रधान महात्मा। फिर जब कलयुग शुरू होता है तो सीढ़ी के चित्र में किसको दिखाया है? हनुमान और गणेश को दिखाया है, तो लंबी पूछ हो जाती है। तो वही रामकृष्ण की आत्माएं कहो अथवा उनके फॉलोअर्स कहो, वही कलयुग की शुरुआत में हनुमान और गणेश के रूप में दिखाए जाते हैं। बाबा काम क्रोध तो द्वापर से शुरू हो जाते हैं, ठीक है? कहा जाता है, व्यर्थ कहा जाता है, कलयुग में शुद्ध कहा जाता है, कलयुग में शुद्ध कहते हैं, ठीक है? काम क्रोध वाले शुद्ध ही होते हैं, शुद्ध होते हैं। काम क्रोध जो द्वापर युग से शुरू होता है, तो जिनमें काम क्रोध लोग होते हैं पांच विकार, वो शूद्र कहे जाते हैं, नीची स्टेज में होते हैं। हर दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है या नहीं होती है? तो विकार भी पहले सतो प्रधान बच्चे की स्टेज में होंगे, बच्चे को महात्मा कहा जाता है, महान आत्मा की स्टेज में होंगे या तमो प्रधान स्टेज में होंगे? महात्मा होते हैं। शास्त्र भी पहले सतो प्रधान थे, उनमें सच्चाई थी, बाद में उनमें इंटरप्रिटेशन ढेर सारा घुस गया, तमो प्रधान हो गए।
हिमाचल में मतलब देवियों के कई मंदिर हैं, तो देवताओं के मंदिर नहीं है? नहीं, मतलब जो खास फेमस है। देवियों के भी हिमाचल में मंदिर हैं और देवताओं के भी हिमाचल में बहुत मंदिर हैं। जी के साथ ही मतलब देवियों के बने हैं। हाँ जी, शास्त्रों में उसके बारे में ऐसा कहा गया है। क्यों? कि मतलब हिमालय ने, पार्वती के पिता ने जब वो यज्ञ रचा तो शंकर और पार्वती को मतलब निमंत्रण नहीं भेजा था, तो फिर उससे वो पार्वती मतलब बिना निमंत्रण के जीत करके गई। पार्वती की बात नहीं है, हाँ सती की बात है, पूर्व जन्म की बात है। तो फिर वहाँ उसका बहुत तिरस्कार हुआ, तो फिर वो उस यज्ञ कुंड में कूद गई। हाँ? शंकर जी को जब पता चला तो फिर उन्होंने उस जलते हुए शरीर को यज्ञ कुंड से उठाया और जहाँ जहाँ कहते हैं उनके शरीर के पास गिरे तो वहाँ वहाँ वो मंदिर बने। जहाँ दीवा गिरी तो वहाँ ज्वाला जी का मंदिर बना हुआ है। जहाँ शीश गिरा तो उसको चमुंडा का मंदिर वहाँ बना। तो जहाँ वो उसका धड़ गिरा वहाँ चीज। आप पूछना क्या चाहते हैं? तो पूरी लंबी लंबी कथा। आध्यात्मिक इसका रहस्य है, इसका आध्यात्मिक रहस्य में जो क्या हुआ। किस बात का आध्यात्मिक रहस्य? तो पूरी लंबी कथा हो गई, इसमें आप कौन सी बात पूछ रहे हैं? और टीवी में तो लंबा 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 कथा कहानियाँ ढेर सारी सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। मंदिर यादगार कहाँ की है? संगमयुग की यादगार है। संगमयुग में जो देह अभिमान है वो देह अभिमान सर के ऊपर चारों चढ़ा रहता है। जितने भी पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थी जीवन में देह अभिमान होता है या नहीं होता है? शंकर भी कोई पुरुषार्थी आत्मा है या पुरुषार्थ की स्टेज को सदैव ही क्रॉस की हुई आत्मा है? पुरुषार्थी आत्मा है। हाँ? कुरुक्षेत्र की रंग डाल क्यों है? कुरुक्षेत्र, हाँ कुरुक्षेत्र जो है शहर, तो धरती का रंग लाल, जमीन का रंग लाल है, आसपास के इलाके की मिट्टी लाल है। हाँ, इसका कारण है। तो शास्त्रकारों ने यहाँ की संगम की यादगार चीजें जो हैं वो छांट छांट करके वहाँ से उठा ली हैं। जैसे द्रौपदी कुंड बनाया तो जहाँ देखा गड्ढा गहरा है कंपिल में, वहाँ उन्होंने कुंड बना दिया, नाम दे दिया द्रौपदी कुंड। उन्होंने समझ लिया कि वहाँ कोई स्थूल यज्ञ हुआ होगा और उसमें से दृष्टद्युम्न और द्रौपदी को जन्म लेते हुए दिखा दिया शास्त्रों में, एक स्थान बना दिया। ऐसे ही लंका में जो समुद्र का सेतु दिखाया है, दो उन्होंने जहाँ ऊंचा ऊंचा स्थान देखा वहाँ उन्होंने समझ लिया कि यहाँ कोई सेतु तैयार किया, ऐसा कुछ हुआ थोड़े ही है। जहाँ की लाल मिट्टी देखी तो उन्होंने कहा यहाँ खून बहुत बहा होगा दुनिया में, बस वहाँ उन्होंने। क्या लाल मिट्टी दक्षिण भारत में नहीं होती है? लाल मिट्टी दक्षिण भारत में भी होती है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में भी होती है, मध्य प्रदेश में भी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ खून की नदी बही थी इसलिए लाल मिट्टी हो गई। ये तो ऑलरेडी प्राकृतिक रूप से ऐसी चीजें बनी हुई थी, बाद में उन्होंने शास्त्र बना दिया और लोगों ने विश्वास कर लिया कि ऐसा हुआ होगा। ऐसे नहीं है कि कुरुक्षेत्र इतने छोटे से मैदान में महावारी महाभारत युद्ध हुआ था जिसमें 500 करोड़ शाह हो गए थे। 500 करोड़ की दुनिया तो सारी दुनिया में फैली हुई है। वहां तो हाथियों की, घोड़ों की और खच्चरों की जितनी संख्या बताई गई वही सब मिलकर के 500 करोड़ हो रही है। मनुष्य कैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में आ जाएंगे? अठारह अक्षौणी संख्या ही 500 करोड़ हो जाती है, जिनमें कोई जानवरों मिसल थे, हाथी मिसल थे, घोड़े मिसल थे, कच्चर मिसल थे। है? है। पांच सौ करोड़ मनुष्य होते हैं, मनु की औलाद, जिनको मन होता है, मन से चिंतन करते हैं। 200 करोड़ तो ऐसे हैं जैसे कीड़े मकोड़े, क्या आए जन्म लिया और खलास हो गए, वो मनन चिंतन मंथन करने का उनको मौका ही नहीं है। जैसे जैसे रात में पतंगे पैदा होते हैं और सवेरे को खलास हो जाते हैं, उनको कहेंगे कि वो मनन चिंतन मंथन करने वाली आत्मा है, इसलिए उनको मनुष्य नहीं कहा जाता। मनुष्यों की संख्या कितनी जोड़ी? 500 साढ़े 500 करोड़।
ऐसे मुरली में बताया है 700 करोड़ भी हैं, लेकिन वो वास्तव में मनन चिंतन करने वाले की औलाद नहीं है, मनु नहीं, मनु की औलाद नहीं है। बाबा, कौन से मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ने के बाद प्रकृति है और कौन सी शरीर छोड़ने के बाद शरीर मिल जाता है? शरीर छोड़ने के बाद शरीर मिलता है, दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, शरीर से जन्म लेता है दूसरे गर्भ में जाने के बाद। जो आत्मा बेसिक नॉलेज तक ही रह जाती है, शरीर रहते रहते सिर्फ बेसिक नॉलेज तक ही प्राप्त कर पाती है, बाप के प्रैक्टिकल पार्ट को पहचान नहीं पाती है। वो आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद दूसरों में प्रवेश करके पार्ट बजाती रहेंगी, और जो पहचान लेती है बाप को शरीर रहते रहते ही, उनका वो एडवांस में चली जाती, उनका तो भटकना बंद, बाप के पास जाते, वो दूसरा शरीर लेती। अगर वो खुदा न खास्ता शरीर छोड़ भी दें तो शरीर छोड़ने के बाद हाँ तो जो दूसरे शरीर से जन्म लेंगी, जन्म लेकर के फिर उनका पूर्व जन्म का पुरुषार्थ अगले जन्म में ऐड हो जाएगा। बाबा आज की मुरली में बोला बच्चों को वर्षा नहीं मिलता है, बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता समाज में, बाबा के बच्चों को, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां हो, रुद्रमाला में चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां हो, दोनों को वर्षा मिलता है। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं कहा, लास्ट में आने वाले भी फास्ट जा सकते हैं, ऐसा बोला बाबा, छोटे बच्चों को लिए नहीं सकते। छोटे बच्चों को ये कहा कि अगर अभी शरीर छोड़ेंगे तो 5-7 साल तो पुरुषार्थ कर ही नहीं सकेंगे, तो वो टाइम उनका बेस्ट चला जाएगा ना, पीछे चले गए, टाइम बर्बाद हो गया, पीछे चले गए। इसलिए इस समय के शरीर की बहुत वैल्यू है, पुरुषार्थ की बहुत वैल्यू है, बाद में से प्रत्यक्षता हो जाएगी तो फिर बाद में कोई पुरुषार्थ की वैल्यू नहीं रहती है। अमृत वेला ही जैसे खत्म हो गया, सूर्य निकल गया, सूर्योदय हो गया, सूर्य ग्रहण के बारे में बताएं। सूर्य पुत्र का हो गया, सूर्य पुत्र का हाँ, सूर्य का पुत्र है कि करा वही भटका रहता है। हाँ उसका मन भटका है कर्म का, हाँ पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, कर्ण वाली आत्मा जो है वो पूर्व जन्म लेती है या नहीं लेती है, पूर्व जन्मों में जन्म हुए या नहीं हुए, उसको भी हिसाब किताब अपना पूरा करना पड़ता है। कर्ण है, कृष्ण है, कंस है, राशि राशि एक ही है, पावरफुल आत्मा। साथ किसका देती है, साथ फिर भी है सूर्य पुत्र, लेकिन अपने स्वरूप का ज्ञान न होने की वजह से कौरवों का साथ देती है। पांडवों को तो अपने स्वरूप का ज्ञान होता है कि हम पांडु की औलाद हैं, है पांडु की औलाद वो भी, लेकिन उनको ज्ञान ही नहीं, विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है, निश्चय बुद्धि विजय थे, अनिश्चय बुद्धि विनश्य थे, तो विनश्य थे ये लिस्ट में आ जाते हैं। सूत ने पालना की तो सूत पुत्र, उनको सूत तक का ही ज्ञान है, अपने सूर्य स्वरूप होने का, सूर्यवंशी स्वरूप होने का ज्ञान ही नहीं, भाई जिसको माँ बाप दोनों का ज्ञान है वो तो है प्रवृत्ति मार्ग का, और जिसको माँ बाप का ज्ञान ही नहीं ओरिजिनल का
उसको प्रवृत्ति मार्ग का पक्का कहेंगे या निवृत्ति मार्ग का कहें? निवृत्ति मार्ग वाला हो गया। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष को महत्व है? ज्योतिष से या वास्तु अगर महत्व तो है ये कहा जाए, और वास्तु पहले इतना ज्यादा नहीं चलता है जितना अभी आजकल चल रहा है, तो विनाश होगा या नहीं होगा? विनाश तो होगा। ये सारे मकान गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? गिरेंगे। तो महत्व तो है कि नहीं है? बताओ। महत्व तो नहीं है, तो बात ही खत्म करो। मनुष्य ने जो कुछ रचा वो सब विनाशी, और भगवान जो कुछ रचता है वो है विनाशी। ये वास्तु है, ये ज्योतिष है, या दुनिया की कोई भी और ज्ञान है, विद्याएं हैं, वो सब विनाशी है। ईश्वर जो सुनाता है वो ही सत्य है। इसलिए ये वास्तु वास्तु के ऊपर कोई विश्वास करने की दरकार ही नहीं है। वास्तु शास्त्र वाले बहुत नाराज होने लगेंगे, जाके ब्रह्मा कुमारियों से मिल जाएंगे। नटराजन की मूर्ति को पीछे रखो। नटराजन की मूर्ति जो है उसको पीछे रखो, उसको पीछे रखो, उसको सामने नहीं रखो, नहीं तो विनाश कर देगी। पढ़ रही है क्यों? वो पढ़ाई पढ़ने योग्य नहीं है क्या? फिर उसकी बीज रूप आत्मा पढ़ाई पढ़ने योग्य नहीं है? उसकी आधारभूत आत्मा पढ़ाई पढ़ने योग्य नहीं है? है हाँ, जो ऊपर से आने वाली गुरु नानक की आत्मा है वो तो उसका शरीर ही नहीं होता। शरीर किसका होता है? जो ऊपर से आत्मा आती है उसका शरीर होता है, या जो देवी देवता सनातन धर्म से जन्म लेते लेते आई है उसका शरीर होता है? जो जन्म लेते लेते आई है उसका शरीर होता है। तो नाम शरीर का पड़ता है या आत्मा का पड़ता है? हैं? शरीर का ही नाम पड़ता है। तो जो शरीरधारी आत्मा जिस शरीर के ऊपर नाम पड़ा गुरु नानक, वो तो हम ब्राह्मणों के बीच में कहीं बैठी होगी। गुरु नानक वाली आत्मा तो सबसे प्रवेश करती है। गुरु नानक की आत्मा तो सबसे आगे प्रवेश करती है। हाँ, प्रवेश करती है। व्यास की आत्मा की नाम होता है। गुरु नानक वाली आत्मा क्या नाम है? व्यास की आत्मा का क्या? गुरु नानक की आत्मा जो ऊपर से आगे नीचे प्रवेश करती आधार होती है। हाँ, उसका नाम क्या? उसका नाम कुछ और होगा पहले, उसका पता नहीं। नहीं नहीं नहीं, बचपन में नानक ही उसका सही नाम पहले कुछ और होता है, बाद में जब सोल प्रवेश करती है तो नाम बदल जाता है। उसमें सिर्फ है उसमें सिर्फ क्राइस्ट के बारे में कहती है कि पहले नाम उनका था जीसस, और जीसस का नाम बदल गया जब आत्मा ने प्रवेश किया तो क्राइस्ट नाम हो गया। सिद्धार्थ पहले नाम था सिद्धार्थ, और जब प्रवेश किया तो नाम हो गया महात्मा बुद्ध। सब का नहीं पता चल रहा है सही सही। जब वो प्रसिद्धि को बताते तो नाम बोलते हैं प्रसिद्ध को। अभी भी पहले नाम था नरेंद्र, प्रवेश किया आत्मा ने तो नाम हो गया विवेकानंद। आचार्य रजनीश ये पहले साधारण लेक्चरर थे, पहले नाम कुछ और था। नाम कुछ और था, सोल ने प्रवेश किया तो रजनीश नाम हो गया। राम बाप किया तो प्रवेश करती। राम वाली आत्मा जो है वो तामसी स्टेज में है या सात्विक स्टेज में है? फिर प्रवेश कैसे करेंगे? आपने बताया ना कि ये जो मैं मनुष्य सृष्टि का बीज तो है,
लेकिन मनुष्य सृष्टि का बीज पार्ट कौन से रूप में बजाता है, पिता के रूप में बजाता है या माता के रूप में बजाता है? ब्रह्मा में जो पार्ट चल रहा था वो सिर्फ माता के रूप में चल रहा था या पिता के रूप में चल रहा था? वो माता का पार्ट था। जगह है जहाँ रात को कोई नहीं रहता है, तो कोई रहता है पत्थर का बन जाता है। आ, देखा रात होती है। आपने देखा? मेरी वो बता रही है ना, सुनी सुनाई बात तो भारतवासी दुर्गति पाई है। तो जो बात आपने देखी ही नहीं वो सबको क्यों सुना रहे? देखा कुछ नहीं, सबको अंधश्रद्धालु क्यों बना रहे? पहले आप देखिए जाके, पहले आप रात में जाके देखिए, सब झूठी बात सुनाइए। ये सुनी सुनाई बात सुना रहे हैं ना आप? जो बात सुना रहे हैं वो सुनी सुनाई सुना रहे हैं या देखी हुई? क्यों पूछ रहे? बाबा ने तो मुरली में पहले ही बता दिया, भारतवासियों सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है, तो काहे के लिए सुनी सुनाई बातों सुना रहे? आप पहले जाके देखिए। और साइंस वाले सारे ही बोलते हैं। हाँ, कोई कोई ज्योतिषियों ने ऐसी बात निकाली है क्या? कोई अफ्रीका का बड़ा ज्योतिषी है जिसका नाम बहुत बाला है पहले समय से, उसने ये बात निकाली है क्या कि दिसंबर वैज्ञानिकों ने भी ये पीछे टेलीविजन में दिया महीना पहले। हाँ, एक आदमी बोलो तो पता चले। हाँ, क्या 2012 में बोल रहे? 2012 कौन सा महीना? दिसंबर। और हाँ, 13 अप्रैल 2019 दो महीने हो गए। 4 वर्ष 6 मास बाद दुनिया समाप्त। हेलो शिव बाबा तो झूठा हो गया। शिव बाबा के प्रूफ तो कोई नहीं रखता होगा अपनी जेब में, लेकिन मनुष्य गुरुओं के प्रूफ सच्चे हो गए तो देखो हमारी पॉकेट में पड़े हुए है ना, सच्चे है ना? हैं? क्या प्रूफ है? अच्छा साबित करो ये झूठे है। नहीं, अब दुनिया कई बार की बात नहीं हो रही, जो अभी सामने बात है उसकी बात करो कि ये झूठा है, इसका कोई प्रूफ निकालो। हमारे ज्ञान में हर बात का प्रूफ होता है या नहीं होता है? हर बात का प्रूफ है, हर बात का काट है, लेकिन काट उनको समझ में आएगा जो ज्ञान में चल रहे होंगे, जिन्होंने ज्ञान उठाया होगा, कोर्स लिया होगा, एडवांस नॉलेज ली होगी, वो ही समझेंगे, दूसरे इस बात को नहीं समझेंगे। जैसे 68 और 76 है, जैसे 68 और 76 का था, वही ध्यान में समझेंगे तो पहले तो बात समझ लेंगे क्या क्या बोला। इसमें लिखा है मायन कैलेंडर के अनुसार 21 दिसंबर 2012 कलयुग का आखिरी दिन है। इस दिन पाताल से भूकंप होगा। क्या? पाताल से, जो असुरों की दुनिया है ना, आसुरी दुनिया से, जो सबसे नीचे की दुनिया है, ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे नीचे की दुनिया कौन सी है? बेसिक वाले में भी तो कोई इस्लामी है, कोई बौद्धी है, कोई क्रिश्चियन है, सब एक जैसे थोड़े ही है। आर्य समाजी, उनमें नास्तिक भी है,
अर्धनास्तिक भी हैं। हाँ, तो इस दिन पाताल से भूकंप होगा, समुद्र से पानी की लहर उठेगी, पृथ्वी अपना ध्रुव परिवर्तन कर लेगी। पृथ्वी कौन है? माता। कौन है माता? जगदम्बा। अभी तो नहीं परिवर्तन किया है, रोज ही कहाँ, अभी बताया है प्रकृति झाड़ू लेके खड़ी हुई है, अभी मारा मार कहाँ शुरू किया है, फिर शुरू कर दिया है, शुरू तो नहीं किया। पृथ्वी अपना ध्रुव परिवर्तन कर लेगी और सूर्य पश्चिम से उगेगा। अरे दुनिया जानती है कि सूर्य कहाँ डूबा हुआ है, सूर्य पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है। अब ब्राह्मणों की दुनिया में एक नई बात निकली है कि पश्चिमी सभ्यता वाले सूर्य को प्रत्यक्ष करते हैं। पश्चिमी सभ्यता में पहले सूर्य उदय होता है या पूर्वी सभ्यता में पूरी सूर्य पहले उदय होता है? तो वो टाइम आएगा, कब? तब आएगा जब रामायण के 14 साल वनवास के और महाभारत के 13 साल वनवास के पूरे हो जाएं। ब्राह्मणों की दुनिया में वनवास है या नहीं है? कब है? अरे अव्यक्तवाणी में बोला हुआ था, बाप दादा दुनिया वालों की नजरों से ओझल हो गए, अव्यक्त हो गए, छिप गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। बोला या नहीं बोला? तो बाप दादा पंडा गुप्त हो गया, तो पांडव भी गुप्त हो गए होंगे कि नहीं होंगे? पंडा गुप्त हो गया तो पांडव भी गुप्त हो गए। कब से गुप्त हो गए? कब बोला है? अरे 2000 के आसपास अव्यक्तवाणी में बोला कि नहीं? हाँ, तो 98 से ये टाइम शुरू होता है जबकि बाप गुप्त हो गया। बाप दादा जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला है वो दुनिया वालों की नजरों से गुप्त हो गया। पहले जानते थे कि यहाँ रहता है, ये एड्रेस है, यहाँ पकड़ा जाएगा, यहाँ घेराव डाल दो। फिर बाद में गुप्त हो गए। तो कितने साल हुए हैं? 14 साल पूरे हो जाते हैं, 2012 आ जाता है। तो ध्रुव परिवर्तन होना चाहिए कि पृथ्वी का कि नहीं? बाबा कहते हैं कि बैल जब थक जाता है सींग पर पृथ्वी लिए लिए तो यूं करके हाँ चेंज कर देता है सींग को, लेफ्ट को उठा के राइट में कर देता है। तो अब समझ में आया कि नहीं कि ये बात झूठी है कि सच्ची है? झूठी है, झूठी है, है? सच्ची बात है या झूठी बात है? सच्ची बात है, कोई गलत बात तो उसने लिखी नहीं, लेकिन बेहद में उसका अर्थ वो समझेगा तब जब आकर के एडवांस ज्ञान तक वो आत्माएं पहुंचे, तो बुद्धि में बात बैठेगी कि हाँ ये 12 साल पूरे होने पर कैसे पृथ्वी अपनी धुरी को चेंज करेगी, कैसे पश्चिमी सभ्यता से ज्ञान सूर्य उदय होगा। तो क्या अंतर पड़ता है 1 साल में 2 साल में? रामायण को उन्होंने 3 में समझ लिया और द्वापर को उन्होंने बाद में समझा, तो 1 साल का अंतर पड़ना कोई बड़ी बात है क्या? क्या परंदामबाजी हो गया, विनाश हो गया? ये बोला है कि काम करना चाहिए, काम धंधा नहीं लगाना चाहिए, काम धंधा करना चाहिए, माना क्या भीख मांगना चाहिए? झूठी बोलना पड़ता है, काम
पेट भरेंगे कि नहीं भरेंगे? जो अपना पेट ही न भर सके भीख मांगना शुरू कर दे तो मांगने से मरना वाला, उससे तो अच्छे रहेंगे कि नहीं नहीं रहेंगे? हाँ, तो झूठी दुनिया में रह करके झूठे धंधे करेंगे तो झूठ बोलना पड़ेगा, तो सच्ची दुनिया में रहो ना। तुमको किसने कहा कि तुम झूठी दुनिया में रहो? अभी सच्चा बाप आया हुआ है या कि नहीं आया हुआ है? सच्चा धंधा सिखा रहा है या नहीं सिखा रहा है? और गारंटी भी दे रहा है क्या कि मेरे बच्चे जो मेरी सेवा में रहेंगे वो भूख नहीं मर सकते, चाहे सारी दुनिया भूख मरे लेकिन मेरे सेवादारी बच्चे भूख नहीं मरेंगे। इतनी परफेक्ट, इतनी दृढ़ता से बाबा बोल रहा है, फिर झूठा धंधा करने की जरूरत है? फिर क्या हाँ तो तुम सच्चे रतन का सामान बेचो ना। नौकरी नहीं है तो जो जो सच्चे रतन बेचने वाले क्या ब्राह्मण है? नहीं, कोई ऐसे ब्राह्मण है कि नहीं ब्राह्मणों की दुनिया में जो झूठे रतन छोड़ दिए, जिन्होंने झूठे धंधे छोड़ दिए? क्या पकड़ लिया है? सच्चे रतनों का धंधा पकड़ लिया तो वो जिंदा नहीं रह रहे हैं क्या? है रह रहे हैं, फिर क्या बात है? दिखाई नहीं पड़ता, और तब तक नहीं दिखाई पड़ेगा जब तक ये झूठे धंधे के झूठे धंधे सारे विनाश नहीं हो जाएंगे। सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। ये ईश्वरीय धंधा ही फलेगा फूलेगा संसार में, और झूठे धंधे सब सब खलास हो जाएंगे। अभी थोड़े पनप रहे हैं, सब पकड़ रहे हैं कसके। अरे जब तक पकड़े रहो तब तक पकड़े रहो, किटकिटी बांध के। बाबा भले कितना भी बोलते रहे, क्या बोलते हैं? सच्चाई की हट्टी एक ही है, आखिरी हट्टी माने दुकान। जो बाप का धंधा है, बाप की दुकान है, वो एक ही है, उस हट्टी पर सबको आना पड़ेगा। और जो झूठी हट्टियां हैं वो सब त्यागनी पड़ेंगी। एक मजबूरी से त्यागना और एक खुशी खुशी से समझ करके त्यागना। प्राप्ति में अंतर होगा या नहीं होगा? प्राप्ति में तो जरूर अंतर होगा। प्रकृति प्रकृति क्या चीज है? जैसे आत्मा बनाई नहीं जाती, ऐसे ही पांच तत्व तो बनाए नहीं जाते। वैज्ञानिक लोग भी इस बात को मानते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो अनादि हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। एलिमेंट जरूर रहेंगे, कोई न कोई रूप में रहेंगे। तो प्रकृति के पांच तत्व भी अनादि हैं और आत्माएं भी अनादि हैं, ये सृष्टि भी अनादि। जो एलिमेंट है 105 और माला 128 का बोला है, एलिमेंट भी 108 हो गए, 108 हो गए। इसका फिर कुछ वन है हैं? एलिमेंट का 108 की माला है, सब कुछ वन है। हाँ तो क्या हुआ? नहीं वैसे बोलिए। अरे जब आत्माएं में गुण अलग अलग हैं तो एलिमेंट्स में गुण अलग अलग नहीं होंगे? हाँ एलिमेंट हो गए। हाँ, मूल रूप में तो पांच ही एलिमेंट समझते थे, अभी वैज्ञानिकों ने बाल में से खाल निकाल के कितने कर दिए? 108 कर दिए। पहले हम थोड़े ही समझते थे कि सारी सृष्टि की बीज रूप आत्मा 108 ही होती है।
तो बाबा ने आके बताया तो बुद्धि में ये बात बैठ गई कि 108 ही बीज ऐसे हैं जिनसे सारी दुनिया तैयार होती है। बाबा जी के आदि में राधा जी और शिवराम बाबू लोग भी संबंध दिया थे कहाँ के सेवक राम और राधा बच्ची ये कहाँ के थे हैं? कलकत्ता के थे ना, तो जहाँ कलकत्ते के थे तो कलकत्ते में शुरुआत हुई ना। शुरुआत कहेंगे या अंत कहेंगे? शुरुआत भी था तो अंत भी था। आदि अंत ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो ये कहां की बात है? माने सन 36 में कोई आत्माएं तो ऐसी होंगी दो जिनके संस्कार स्वभाव आपस में मिलते जुलते हो, कभी आपस में टकराव न होता हो, वो कौन आत्माएं थी? आप कहेंगे यशोदा माता और ब्रह्मा बाबा, कहेंगे ना? हैं? क्यों क्यों नहीं कहेंगे? हैं? यशोदा माता तो ज्ञान फैलते नहीं थे, ज्ञान नहीं, यहाँ आके माउंट आबू उनसे भी छोड़ा है, ठीक छोड़ा, मुरली सुनते नहीं थे। माना ये है कि यशोदा माता ने उतना सहयोग नहीं दे पाया ब्रह्मा बाबा का, माना मन में उनके टेंशन था ये ज्ञान सच्चा है या झूठा है, और ओम राधे सरस्वती के अंदर वो टेंशन नहीं था। तो वाइब्रेशन में जब टेंशन नहीं होगा तो आपस में संस्कार मिले हुए थे, इसीलिए वो सतयुग में जाके जन्म लेंगे साथ साथ, ओम राधे मम्मा और ब्रह्मा बाबा, और यशोदा का जन्म उनके साथ नहीं होगा। ऐसे ही कोई तो आत्मा यज्ञ की आदि में थी, चलो ब्रह्मा बाबा और यशोदा माता तो नहीं थी, फिर कौन थी? जो सतयुग के आदि में भी विष्णु रूप थे और जब संगम युग की शुरुआत होती है तो भी विष्णु रूप होते हैं, एक दूसरे की बात काटने वाले नहीं होते हैं, एक दूसरे के कर्मों को काटने वाले नहीं होते हैं, वो कौन? वही प्रजापिता, वही यज्ञ माता, और राधे बच्ची हो गई। बाबा जब बाप जैसे प्रत्यक्ष होगा उस टाइम तक केवल जब अष्टदेव ही जैसे बाबा कनिष्ठ होगा, अष्टदेव में नंबर वार नहीं होते? उनमें देख नंबर वार तो है कहने, अष्टदेवों में भी तो नंबर वार होते हैं। हाँ? तो इसका मतलब एक जैसे रह जाएगा प्रत्यक्षता तक, यज्ञ के आदि में एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी, तो अंत में नहीं होगा बाबा के पूर्ण देखे होगा तो कुछ हिस्सा तो कोर्ट के द्वारा जैसे बाप को जैसे प्रत्यक्ष जैसे होगा, कोर्ट जैसे वो करेगा ध्यान मुरली सत्य है कि बाप सत्य है। अरे कोर्ट में भी सत्य और झूठ साबित कौन करेगा? कोर्ट में भी सच्चा और झूठे को साबित कौन करेगा? अपने आप होगा क्या? करने वाले कोई होंगे ना, तो वही सच्चे हुए। कोर्ट तो आज के हजामों की है, उनको कोर्ट को तो अकल ही नहीं है। कोर्ट में किसका चित्र दिखाया जाता है? अंधे का चित्र दिखाया जाता है, कोर्ट अंधा है। बाबा तो यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट भी है, तो जल के अंदर जैसे पढ़े करके जो ब्रह्मा कुमारियों वाली बात, तो दुनिया के जो बड़े बड़े आदमी हैं वो ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा ये मैं नहीं करता। और क्या कह रहे? अरे सुप्रीम कोर्ट का जज प्रत्यक्ष करेगा, तो जो बच्चे हैं बाप के साधारण वो नहीं प्रत्यक्ष करेंगे? अभी क्या कहा तुमने? अरे कोर्ट तक पहुँचेंगे कौन? हम ही बच्चे पहुँचेंगे। तो फिर हम ही बच्चे हुए ना।
हम बच्चों में से ही कोई विशेष ऐसे बच्चे निकलेंगे जो सन सोज फादर और फिर फादर सोज सन। बाहर की दुनिया के बड़े बड़े ऑफिसर और बड़े बड़े मल्टी मिलियनायर, बड़े बड़े पैसे वाले साहूकार, वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे क्या? ये तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की धारणा है कथा कथित की, कि दुनिया के बड़े बड़े आदमियों को ज्ञान में निकाल लो, हाँ वो प्रत्यक्ष कर देंगे बाप को। प्रत्यक्ष होने के बाद से जैसे ब्राह्मण जैसे माउंट आबू तपस्या करने जाएंगे? अभी नहीं जा रहे हैं, अभी तपस्या करने नहीं जा रहे हैं। यहाँ जैसे संगठित रूप में, हाँ संगठित रूप में अभी नहीं तपस्या कर रहे हैं क्या? वो अपने ढंग से तपस्या कर रहे हैं। अपने ढंग, अपने ढंग और पराया ढंग कौन सा होता है? अपन को आत्मा समझ बाप को याद नहीं करते, तो फिर अपना ढंग पराया ढंग कौन सा? निराकार ज्योति बिंदु को। हाँ निराकार कौन? माउंट आबू में बैठे अपने अभी 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 क्या माउंट आबू एडवांस वाले नहीं बैठे हुए? तो फिर नंबर आ रहे हैं, कोई पहले प्रयास करते हैं कोई बाद में प्रयास करेंगे। क्या कहा? कोई की बुद्धि में पहले बैठेगा, कोई की बुद्धि में बाद में बैठेगा, कोई की बुद्धि में ये पक्का सच्चा बैठ जाता है बुद्धि में कि साकार परमधाम कोई सृष्टि पर ही होगा और इसी दुनिया में साकार परमधाम होगा और उसमें नंबरवार आत्माएं पहुंचेंगी, पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी? तो पहले से प्रयास करना शुरू कर दिया कि इन्होंने प्रैक्टिकल में, थ्योरिटी की पावर ज्यादा होगी तो पहले से प्रयास करेंगे, थ्योरिटी की पावर कम होगी तो प्रैक्टिकल में उतना प्रयास पहले से नहीं करेंगे। इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि जिनके पास पैसा होगा वो ही प्रयास करेंगे, पैसे वाले भी पहुंच रहे हैं और जिनके पास पैसे नहीं है वो भी वहां पहुंच रहे हैं। आखिर करना तो बच्चों को ही है या करा करा या सब कुछ मिल जाएगा? करना तो पड़ेगा। और पांडव गुप्त होकर के घूमते थे वो बात पहले माउंट आबू में साबित होगी कि दुनिया में साबित होगी? तब बात है, जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है ऐसे रह के दिखाओ, 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहता है, ऐसे मस्ती में रह करके चाल चल के और वाचा चला के देखो, एक ही भी वाचा थोड़ी उलट पलट निकल गई और पकड़े जाते हैं। टाइम हो गया।